गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी जिस समय लेक्चर देख रहा है नाउ। अभी पिछले दो टॉपिक्स में हमने गुडविल के बारे में काफ़ी अच्छे से चर्चा की थी और काफ़ी अच्छे से हमने इसको डिस्कशन किया था। नाउ आज जो हम इसमें टॉपिक लेने वाले हैं वो गुडविल से ही रिलेटेड है। यहाँ हमने कैलकुलेशन वाला पार्ट सीखा था, आज हम अकाउंटिंग सीखेंगे कि गुडविल को अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। तो जब भी हम अकाउंटिंग की बात करते हैं कि सर गुडविल की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, तो सबसे पहले इसका वापस से एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमें समझना पड़ेगा कि गुडविल क्या है। गुडविल एक तरीके की एसेट है, ठीक है। गुडविल आपकी एसेट है और एसेट क्यों है, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी। और वो बेनिफिट क्या होगा, फ्यूचर में बेनिफिट देगी और वो बेनिफिट क्या होगा, आपको हायर प्रॉफिट होगा जो आपके कंपटीटर है उनसे ज़्यादा। नाउ जब हम बात करते हैं कि सर ये जो एसेट है ये एसेट किसके पास जानी चाहिए, ये एसेट किसको बिलोंग करती है, तो कहा जाता है कि ये एसेट जो है वो ओल्ड पार्टनर्स की है, यानी कि उन्होंने मेहनत की थी इस गुडविल को बनाने में, इस सारी चीज़ को, इस एसेट को क्रिएट करने में। अब अगर जब ये गुडविल ओल्ड पार्टनर्स की है तो ये ओल्ड पार्टनर्स के पास ही रहनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब आपके पास बैलेंस शीट के अंदर कोई एसेट है, तो यहाँ मान लीजिए जैसे कि ये एसेट है 1 लाख, 10 लाख की एसेट है और लाइबिलिटी है 5 लाख की, तो जो बाकी 5 लाख बचता है वो कैपिटल है। और जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो कैपिटल का 1/5 ले आता है, मान लीजिए 1/5 ले आ रहा है तो वो कैपिटल ले आता है, और यहाँ पे जो एसेट है उसमें उसका हिस्सा मिल जाता है क्योंकि वो एसेट के लिए पैसा लेकर के आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। लेकिन जब हम बात करते हैं गुडविल की, तो वो इसके लिए कोई पैसा नहीं लेकर के आता है। क्यों नहीं लेकर के आता है, क्योंकि गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दी हुई है। ये हमने बस कैलकुलेट की थी, हमने माना था कि हमारी जो गुडविल है वो इस तरीके से होगी और हमने वो कैलकुलेट की थी, तो बैलेंस शीट में वो नहीं है। अब इसके लिए वो कोई कैपिटल के रूप में पैसा नहीं ला रहा है, लेकिन जब वो बाद में जाएगा, जब वो वापस रिटायर होगा और फर्म को छोड़ के जाएगा, तो इस गुडविल का उसको हिस्सा मिलने वाला है, लेकिन वो बैलेंस शीट में तो है नहीं। तो अब ऐसे में हमारे पास, तो अब हमें ऐसे में इसको कैलकुलेट करना, जो अब हमें इसकी अकाउंटिंग करनी पड़ती है और उससे वापस से पैसा लेना पड़ता है। नो, जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, अब जैसे हम अकाउंटिंग के ऊपर जाए हैं, तो ये जो गुडविल है ये ओल्ड पार्टनर्स की है, तो अब हमें सबसे पहले इसे बुक्स में लेना पड़ेगा, कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसे हमें लेकर के आना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो गुडविल एसेट है और एसेट के ऊपर हम क्या एंट्री करते हैं, एसेट को हम डेबिट करते हैं जब भी हमें उसे क्रिएट करना हो। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू, मान लीजिए दो पार्टनर थे ए और बी और दोनों एक दूसरे को जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3 था। तो यहाँ पे हम एक पूरा वापस नया एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जांपल क्या है, कि मान लीजिए गुडविल की कैलकुलेशन हुई, वो निकली 1 लाख रुपीज, और ए और बी जो है पार्टनर है, सी को नया पार्टनर लाया जा रहा है 1/5 के लिए, और ये दोनों 3:2 में पार्टनरशिप रखते हैं। तो जब हम यहाँ पे अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, गुडविल को एक एसेट के रूप में लगाना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। अब हम यहाँ पे एक ये वाली एंट्री करके, और 1 लाख यहाँ पे, 60,000 यहाँ पे और 40,000 यहाँ से, तो जब हम ये एंट्री करते हैं इसका इफेक्ट क्या हुआ, तो आप देखोगे ए की कैपिटल 60,000 से बढ़ जाएगी, बी की कैपिटल 40,000 से बढ़ जाएगी, और जो हमारे बैलेंस शीट है उसमें एक एसेट और दिखाई जाएगी, वो है गुडविल, और 1 लाख की गुडविल आ जाएगी। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो ए और बी को अपना गुडविल का पैसा मिल गया, जो कि 60,000-40,000 है, और गुडविल जो है बुक्स में आ गई। अब यहाँ पे जब नया पार्टनर आएगा और वापस से बैलेंस शीट बनेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसेट जो हमारी पहले 10 लाख की थी वो यहाँ पे 11 लाख हो जाएगी, और जो लाइबिलिटी है वो 5 लाख थी 5 लाख रह जाएगी, और अब वो 6 लाख का जो कैपिटल है उसका 1/5 उसे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक तरीके से वो जो गुडविल का उसका पोर्शन था, गुडविल जो 1 लाख थी और 1 लाख का जो 1/5 उसका पोर्शन था, वो यहाँ पे लेके आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो गुडविल को अब हमें बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कई बार फर्म नहीं चाहती है कि हम गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाएं, उनका अपने एक रीजन हो सकता है कि हम अब गुडविल को इसमें नहीं दिखाना चाहते, आप गुडविल को उसी समय बंद भी कर दीजिए। तो यहाँ पे दूसरी जगह एंट्री, अगर आप गुडविल को नहीं दिखाना चाहते, अब गुडविल चूंकि फर्म की एसेट है और अब हमें उसे राइट ऑफ करना है, अब हमें उसे हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 गुडविल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ऊपर की साइड क्या आएगा, ऊपर की साइड आएगा ए बी एंड सी,
अब अगर हम देखें तो इनका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मैंने कैलकुलेट किया हुआ था पिछले वाले एग्जाम्पल में, तो वो निकल गया 12:8:5। ठीक है, तो ये जो गुडविल थी वो 1 लाख थी। अब अगर हम इसे इस अनुपात में डिवाइड कर दे, ठीक है, तो यहाँ पे जो निकल गया आएगा 12:8:5 में, तो यहाँ पे जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के क्या आएगा, 12 25 से डिवाइड किया तो 4,048,000। ठीक है, और एट यानी कि कितना हो गया 32,000 और 20,000। ठीक है, यस ये हो गया। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 लाख का जो बचता था 1/5 था वो था 20,000, यानी कि सी को कितना लेकर के आना था 20,000। सी यहाँ पे डेबिट करके हम जो ये क्या दिखा रहे हैं कि सी 20,000 हमारे से 20,000 जो है पैसा लेकर के आ रहा है, और ए और बी को उसका कितना पैसा मिलना चाहिए था 3:2 के रेशियो में। तो अब अगर हम इस जनरल एंट्री को यहाँ पे, ये जो जनरल एंट्री की गई है, इस जनरल एंट्री को और इस जनरल एंट्री को नेट ऑफ करें, ठीक है, तो अब आप देखोगे क्या इफेक्ट पड़ा। तो सी का जो पैसा था वो क्रेडिट हुआ था, तो सी अकाउंट डेबिट या सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट ऑफ कोर्स, यहाँ पे आ जाएगा 20,000 रुपीज, और 2A and 2B और वो आ जाएगा 3:2 में, तो वो जो निकल के आएगा 3:2 में वो निकल के आएगा 12,000 और 8,000। अब अगर आप यहाँ देखोगे नेट इफेक्ट क्या था, तो क्रेडिट हुआ 60,000 से और डेबिट हुआ 48,000 से, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा 60-48=12,000 रुपीज। और इसी तरीके से बी का पास भी क्या हुआ, 40,000 से क्रेडिट हुआ और 32,000 से डेबिट हुआ, तो क्या निकल के आया 8,000 क्रेडिट। ठीक है, तो यही नेट इफेक्ट आया। तो इस जनरल एंट्री को कब किया जाता है, जब क्यूसेट हमें ये बोल रहा है कि हमें गुडविल बैलेंस शीट में ही नहीं दिखानी, साथ ही साथ बैलेंस शीट में तो हमें दिखानी ही नहीं है, साथ ही साथ हमें कहीं बुक्स में भी नहीं दिखानी। यानी कि अब आप देखोगे तो इस जनरल एंट्री में गुडविल का नाम कहीं आ ही नहीं रहा, किसी जनरल एंट्री में गुडविल नाम आ ही नहीं रहा। हम केवल यहाँ पे नरेशन में लिख देंगे कि गुडविल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो यहाँ पे जब बोला जाए कि बैलेंस शीट में नहीं दिखानी है, तो हम ये दो एंट्री करते हैं, केवल ये दो एंट्री करते हैं, पहली गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड टू बी, और दूसरी ए बी सी टू गुडविल, यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर ऑल पार्टनर है उनके द्वारा हम ये एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से अकाउंटिंग चलती है। अब एक थर्ड ऑप्शन और आता है जिसके अंदर वो बोल सकता है, यानी कि जो नया पार्टनर है वो बोलता है कि एक काम करते हैं, हम गुडविल को न दिखाएंगे न कुछ करेंगे, मैं गुडविल का पैसा एक तरीके से कैश में ला करके आपको दे देता हूँ। ठीक है, गुडविल का पैसा मैं कैश में ले आता हूँ। तो अब यहाँ पे चूंकि गुडविल का पैसा कैश में आ रहा है, तो एंट्री क्या होगी, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और यहाँ पे जैसे 20,000 हमने एग्जांपल लिया था, तो 20,000 यहाँ हो जाएगा और 20,000 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे वो कैश लेके आ गया। अब ये जो गुडविल था ये किसको बिलोंग करती है, ये करती है ओल्ड पार्टनर्स जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ध्यान रखिए यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट करना है ये ओल्ड रेशियो में नहीं करना है, हमें ये किस रेशियो में करना है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो के अंदर आपको ये करना है। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 20,000 और इन दोनों को हम निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 12,000 और 8,000। ठीक है, अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जो पार्टनर्स है, जो ओल्ड पार्टनर्स है जिनको गुडविल का पैसा मिला है, वो इस गुडविल को कैश में भी विड्रॉ करना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स कैश में जब विड्रॉ किया जाएगा तो ए, जब ए ने अपना पैसा विड्रॉ किया तो ए टू बैंक हम कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे क्या जाएगा 12,000 और 12,000। ये एकदम इंडिविजुअल एंट्री है, इसका बाकी की एंट्री से कोई रिलेटिव नहीं है, तो यहाँ पे जब भी वो निकालना चाहता है पैसा वो निकाल सकता है, हो सकता है वो तीन किस्तों में निकाले 4,000 4,000 4,000, तो तीन बार जनरल एंट्री आपको करनी पड़ेगी। नाउ अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसकी वजह से हमें समझ में आएगा और बेटर तरीके से। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि सुनील एंड दिलीप आर पार्टनर इन द इन ए फर्म, और जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 5:3 है, और सचिन को एडमिट किया गया 1/5 के लिए, ही ब्रिंग इन 20,000 एज कैपिटल, 4,000 एज शेयर ऑफ गुडविल बाई चेक, गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री।
तो यहाँ पे ये पहली एंट्री हो गई, एंड दूसरी एंट्री जहाँ पे फुल अमाउंट इन्होंने विदड्रॉ कर लिया, और तीसरी जनरल एंट्री जहाँ पे 50% अमाउंट ही विदड्रॉ किया था। तो यहाँ पे जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ। इस तरीके से आपको एक टेबल बनानी है जो आप बचपन में बनाते आ रहे हो। यहाँ लिखना है आपको डेट, पर्टिकुलर्स, LF, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इसको करते हैं तो व्हेन पार्टनर डिसाइड टू रिटेन गुडविल, तो यहाँ पे आप देखोगे तो बाई चेक, यानी कि ये क्या कर रहा है, गुडविल का पैसा लेकर के आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे हम क्या एंट्री करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल भी वो लेकर के आ रहा है, साथ ही साथ वो गुडविल भी लेकर आ रहा है। तो ये आप चाहो तो यहाँ प्रीमियम का और गुडविल लिख सकते हो, मैं यहाँ पे शॉर्ट में गुडविल ही लिख रहा हूँ, गुडविल अकाउंट। नाउ अब डेबिट किया इन्होंने कितना, ये 20,000 कैपिटल का लेकर के आ रहा है और 4,000, यहाँ पे हो जाएगा 24,000, और यहाँ पे आ जाएगा 20,000 कैपिटल के और 4,000 गुडविल अकाउंट के। उसके बाद इन्होंने जो बोला है, अब हमें ऑटोमेटिकली दूसरी एंट्री क्या करनी है कि ये जो गुडविल था इसे हमें बांट देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है टू सुनील, और टू सेकंड पार्टनर का नाम क्या था, दिलीप। तो ये आ गया दिलीप। नाउ यहाँ पे ये जो एंट्री है वो हो जाएगी कितने से, 4,000। अब ये जो थे ये डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, 5:3 में। तो अब यहाँ पे जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल रहे थे, जब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना था, तो वहां पे हमने सीखा था कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ हो तो इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो क्या हो जाता है, वो वही हो जाता है जो इनका ओल्ड रेशियो था, 5:3। और हमने इसको चेक भी किया था कि ये किस तरीके से होता है। तो नाउ इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3। यहाँ पर हम इसको 5:3 में डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2500 और 1500। ठीक है, ये किस तरीके से होगा, 4000 मल्टीप्लाई बाई 5/8। ठीक है, और 4000 मल्टीप्लाई बाई 3/8, इस तरीके से हम इसको डिवाइड करके निकाल लेंगे। नाउ जब भी हम अब आगे पैसे निकालने वाले हैं ये दोनों पार्टनर, तो हमें क्या करना है कि सुनील और दिलीप टू बैंक अकाउंट, और सुनील जो है वो अपना अगर 100% निकालते हैं तो हमें यहाँ पे 100% अमाउंट लिख देना है, और अगर वो 50% निकालते हैं तो हमें यहाँ पे 50% अमाउंट यानी कि 2000, और ये जो है वो किसे कौन से अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा 1250, और यहाँ आ जाएगा 750, और यहाँ पे आ जाएगा 2000। ठीक है, जब 50% के लिए बोला, आपको अलग से एंट्री करनी है, मैंने यहाँ पे एक ही एंट्री में बता दिया। तो यहाँ पे कितने भी निकाल सकते हैं, हो सकता है वो 25 25 बोल के 4 किस्तों में निकाले, 20% 20% बोल के 5 किस्तों में निकाले, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको जनरल एंट्री करनी है। नाउ आगे के जो क्वेश्चन है, इसमें आगे के मैंने जो और एग्जाम्पल्स दिए हैं उनके क्वेश्चन मैं आगे नेक्स्ट एग्जाम में करूंगा। आज का लेक्चर इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, गुड डे, गुड बाय।